व्यासपीठ पर मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित बेंगलोर के सभी मान्यवर और युवा ब्रिगेड के मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आपको गणपति उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आभारी हूँ कि इस एक सुंदर प्रोग्राम में हमें आने का मौका मिला, इसलिए युवा ब्रिगेड के सभी सभासद जिन्होंने हमें आमंत्रित किया उनको हम आभार प्रदान करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण घटना को याद करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए। 125 साल पहले शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जो सभा को संबोधित किया था उसे लेकर सारा जग आश्चर्यचकित हुआ था। आज 11 सितंबर को, और एक संयोग की बात ऐसी है कि 11 सितंबर 1897 को लोकमान्य तिलक जी को पहले राजद्रोह के मुकदमे में 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी, और वो आज संयोग की बात है। लोकमान्य तिलक जी के जीवन के जो तिलक युग शुरू हुआ वो इस शिक्षा के साथ शुरू हुआ था। राजद्रोह के खटले में जो उनको 1.5 साल की सजा हुई थी उसके साथ साथ तिलक युग की शुरुआत हुई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। उनके जीवन में उन्हें 3 बार कारावास भुगतना पड़ा, और उसकी विशेषता यह है कि हर बार जब उन्होंने कारावास भुगता तो उनकी प्रतिमा कई गुना बढ़ गई। पहला केस जब उनके ऊपर दर्ज हुआ वो 1882 में, 1881 में उन्होंने केसरी और मराठा इन दोनों अखबारों की शुरुआत की थी। आगरकर जी उनके साथ थे, केसरी के संपादक आगरकर जी थे, मराठा का जो अंग्रेजी में निकलता था उसके संपादक लोकमान्य तिलक थे। तो उसके दूसरे साल ही उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ। कोल्हापुर संस्थान के जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका पक्ष लेकर कुछ सच उन्होंने अखबार में छापा था, तो उसके ऊपर उनको डिफेमेशन केस का सामना करना पड़ा और 100 दिन की सजा हुई। दूसरा केस जो हुआ, जो पहले मैंने बताया 1897 में प्लेग और अकाल, वो दोनों उस समय जोर में थे, और इसके लिए अंग्रेजों का जो बर्ताव था उसके खिलाफ लोकमान्य तिलक जी ने केसरी में, उस समय 1897 तक तिलक जी केसरी के संपादक बन चुके थे, तो केसरी में उन्होंने कई एडिटोरियल्स लिखे बहुत ही तीखे शब्दों में। उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की थी और जो हकीकत थी प्लेग के दौरान जो पूना में कई चीज़ें बुरी तरह से हुई थी उसके बाद उनको उन्होंने अखबार के बाद ये सामने लाया था, तो उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा, 1.5 साल की सज़ा उनको हुई। और तीसरा जो केस हुआ वो 1908 में हुआ।
उस समय देश की हालत बहुत वोलाटाइल थी। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था, बढ़ चुका था। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल के क्रांतिकारियों के मन में आज़ादी की ज्वाला भड़क उठी थी। बम बनाना उन्होंने सीखा था, उसका कई जगह इस्तेमाल भी किया गया था। तो इन सब घटनाओं को लेके और देशवासियों की मानसिकता केसरी के जरिए उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। और उसकी विशेषता ये थी कि वो एडिटोरियल जो थे वो कई भारतीय भाषा में ट्रांसलेट होके पूरे देश में वितरित हो गए थे। और इसी दौरान तिलक जी को किसी भी हालत में राजकीय जीवन से दूर करने का प्रयास अंग्रेजों का चल रहा था। तो ये बम स्फोट जो हुए मुजफ्फराबाद में, जो बम स्फोट हुए उसको लेके वो दूसरा राजद्रोह का केस उन पर बना 1908 में। इस केस में तिलक जी के जो वकील थे वो बैरिस्टर जीना थे, लेकिन अंग्रेजों का निर्णय पहले ही तय हो चुका था कि तिलक जी को इस देश से बाहर हर हाल में भेजना है। और उन्हें 6 साल की सजा हुई, उन्हें मंडाले भेजा गया। और ये देखा गया कि मंडाले की क्लाइमेट इतनी भयंकर है, गर्मी में टेम्परेचर 45-47 डिग्री तक जाता है, तो अंग्रेज़ों को ये लगभग तय हुआ था कि जब हम 6 साल उनको भेजेंगे तो वो वापस नहीं आ पाएंगे जिंदा। तो ये 6 साल की उनको सज़ा उस समय हुई। और जैसे पहले मैंने बताया कि हर बार तिलक जी की प्रतिमा बढ़ती गई। जो पहले जो उनको 100 साल की सज़ा हुई थी तो उनको महाराष्ट्र में मान्यता मिल गई। एक संपादक, युवा संपादक करके तिलक जी और अगरकर जी को समाज में मान्यता मिल गई थी। दूसरे मतलब पहले राजद्रोह के खटले के बाद तिलक जी का नाम देश के एक प्रमुख नेता में के रूप में देखा गया था। और तीसरा जो मतलब दूसरा राजद्रोह का जो खटला हुआ जिसमें 6 साल की सजा हुई, उसके बाद सबसे बड़े ताकतवर नेता के रूप में तिलक जी उभरे थे। और शायद देश के सबसे पहले मास लीडर जिसे कहा जाए वो तिलक जी थे। और इन तीनों कारावास के या केस के एक समानता ऐसी है कि तीनों केस में लोकमान्य तिलक जी ने और जिसके ऊपर केस रचा गया था वो एडिटोरियल्स में तिलक जी ने जनता का पक्ष लिया था। हर बार तीनों बार जनता के लिए वो खड़े हुए थे और उसके लिए उनको कारावास हुआ। अगर हम तिलक जी का जीवन अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो एक बात हमें ध्यान में आएगी कि उनका जो कॉलेज जीवन से लेके अंत तक जो प्रवास है, राजकीय होगा, सामाजिक होगा, जो भी प्रवास है, इट्स अ वेरी प्री प्लान्ड एक्टिविटी। हर एक जो कदम उन्होंने उठाया है वो बहुत ही प्लान था, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ बहुत स्टडी की आवश्यकता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है आज तक तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत प्री प्लान्ड। और ये कॉलेज के जीवन से ही उन्होंने प्लान करके रखा होगा ऐसे मुझे लगता है। कॉलेज में जब अगरकर जी और तिलक जी कई घंटों तक चर्चा करते थे तो इसके दौरान उन्होंने शायद ये प्लान बनाया होगा और उसके जरिए उसके साथ वो पूरी जीवन भर चले हैं। वो क्या रणनीति थी? रणनीति बहुत आसान थी, उन्हें समझ में आ गया था, या ही वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट
कि जिस आज़ादी के लिए हमें लड़ना है वो आज़ादी अगर हमें चाहिए तो लोगों को साथ में लेने की ज़रूरत है। कहने में तो ये आसान चीज़ थी लेकिन वास्तव में लाना बहुत मुश्किल है। और पूरी ज़िंदगी भर आप देखेंगे तो लोकमान्य तिलक जी का पूरा जीवन भर उनका यही प्रयास रहा कि किसी भी हाल में समाज के हर घटक को इस स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करके लेना है। कांग्रेस में वो जरूर शामिल हुए लेकिन कांग्रेस में बिल पास करके या अंग्रेज़ों को रिक्वेस्ट करके हमें स्वराज्य मिलने वाला था नहीं था। उसके लिए लोगों का खून, लोगों का पसीना उसमें जरूरी था और उसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने प्रयास किया। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कॉलेज जीवन के बाद तुरंत उन्होंने एक स्कूल खोला, न्यू इंग्लिश स्कूल। अंग्रेजी शिक्षा देने वाली कई स्कूल्स सभी जगह थे लेकिन वो ब्रिटिश लोग चलाते थे। लेकिन ये स्कूल उन्होंने जो खोला था उसमें ऐसी शिक्षा वो देना चाहते थे जिसमें बचपन से ही बच्चों के मन पर राष्ट्र प्रेम जागृत करें। शायद उनकी योजना ये होगी कि 10-15 साल के बाद जब ये पीढ़ी युवा हो जाएगी तो सही रूप से अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए ये हमारे हाथ लगेगी। इसके साथ साथ उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की। गणेश उत्सव जो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है उसे सार्वजनिक रूप देने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे सबके आइडल है, जिन्होंने सर्वप्रथम देश में स्वराज्य का निर्माण किया, उनका उत्सव बड़े पैमाने के जगाने की कोशिश उन्होंने की। ये सब कोशिश हमें क्या दिखाती है कि जो समाज के सभी वर्ग है उनको इसके जरिए हमारे विचार उन्हें तक पहुंचाने की ये कोशिश थी। और धर्म का आधार लेकर जिसके ऊपर अंग्रेज कभी बैन नहीं कर सकते थे, उत्सव के रूप में था इसलिए, तो ये सब कोशिशों के हमें दिखता है कि लोगों को इस प्रवाह में कैसे लाना है। ये और जो दुष्काल अकाल आया था महाराष्ट्र में बड़ा, उस अकाल में भी तिलक जी खुद और उनके स्वयंसेवक महाराष्ट्र के हर गांव में गए थे, लोगों को अपने हक का वहां बताया था कि उनका हक क्या है, अंग्रेजों से हमें क्या मांगना चाहिए, ये सब बताने की कोशिश उन्होंने उस समय की थी। जब से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा किया उन्होंने हमारे पूरी जो जनता थी उनको निहत्ता कर दिया था, मतलब उनके हथियार उन्होंने सब निकाल लिए थे। लेकिन तिलक जी ने अपने कलम को तलवार का रूप दिया और इस कलम के जरिए पूरे देश में एक नौजवानों में जागृति निर्माण की। उसे कई युवा प्रेरित हुए जिसमें सावरकर जी है, चाफेकर जी हैं, कई सारे हैं, कितने किन के नाम लें। लेकिन इन क्रांतिकारियों को भी तिलक जी का जैसे सपोर्ट था लेकिन वो ये भी जानते थे कि मुट्ठी भर क्रांतिकारियों को लेकर हम अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ये जो युवा है ये बहुत आक्रामक है, बहुत तेज है, उनको नाउम्मीद नहीं करना है। इसलिए उनके साथ तिलक जी रहे, उनके आधार बने। कई मुश्किल समय में तिलक जी ने इन क्रांतिकारियों की मदद की थी तो हर विकल्प उन्होंने खुला रखा था, चाहे किसकी जरूरत कब पड़े पता नहीं,
तो चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे मवाल जो लोग थे उनको भी उन्होंने साथ रखा था, उनका जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उनको भी साथ रखा था। तो सबको साथ लेके चलने का एक प्रयास तिलक जी ने इस जमाने में किया है, ऐसे हमें दिखता है। मंडाले के 6 साल के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली, वापस स्वतंत्र आंदोलन की बागडोर को संभाला। उस समय पहला विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तो उसका फायदा लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी थी, अंग्रेजों के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो सिंह गर्जना थी ये 1 जून 1916 को उन्होंने अहमदनगर के एक सभा में की थी और उसे उन्होंने दोहराया था लखनऊ कांग्रेस में दिसंबर 1916 को। सो दिस इज द सेंटेनरी ईयर फॉर दिस इंस्पायरिंग वर्ड्स। इसके साथ साथ उन्होंने 3 और मंत्र लोगों को दिए थे, वो थे स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। इसके जरिए अंग्रेजों को चारों ओर से घेरने की ये कोशिश थी। 1914 से लेकर 1920 तक का जो तिलक युग है वो उनका सुवर्ण युग कहलाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसकी घोषणा उन्होंने की, होम रूल लीग की स्थापना की, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा के जरिए पूरे देश में आंदोलन छेड़ा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया लखनऊ कांग्रेस में, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता किया। उनका कहना था कि हमें आज़ादी के लड़ते समय हम दो ही चाहिए, सामने इंग्रज और इस तरफ हम लोग, हमें उसमें बंटवारा नहीं चाहिए, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए मुस्लिम लीग का साथ किया हुआ समझौता बहुत एक बड़ी उपलब्धि है। उनका लक्ष्य स्वराज था, अंतिम सांस तक स्वराज रहा और देश की सारी जनता को एक दिशा में प्रयास लाने का ये सब उनका काम हमें दिखाई देता है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का पहला पत्थर तिलक जी ने रखा, ऐसे अगर हम कहते हैं तो वो कोई गलत नहीं होगा। और इस नींव के ऊपर स्वतंत्रता का मंदिर न जाने कितने लोगों के बलिदान से खड़ा हुआ। तो आज आज़ादी के 70 साल बाद हमें एक प्रश्न का उत्तर तो जरूर देना चाहिए, क्या इन महापुरुषों ने जिस भारत का निर्माण सोचा था क्या आज वो सच में हमने करके दिखाया है? द आंसर इज निगेटिव। तो इसका मतलब है कि इन सारे लोगों के हम गुनहगार हैं। आज देश की हालत क्या है? मुझे तो लगता है 100 साल पहले जब अंग्रेज यहाँ थे तब देश की जैसी हालत थी वैसी हालत आज भी है। फर्क सिर्फ यही है कि तभी अंग्रेजों का राज था, आज हमने चुनकर दिए हुए लोग हम पर राज कर रहे हैं। और 100 साल पहले अंग्रेजों ने हम पे राज कैसे किया हम सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। लेकिन दुर्भाग्य से इन 70 सालों में इससे हमने कुछ सीखा नहीं है, आज भी वही डिवाइड एंड रूल चल रहा है। हंगर टू रूल, सत्ता में रहने के लिए आज भी हमारे ही लोग हमें जाति धर्मों में बखेड़ा खड़ा कर रहे, हमारे प्रांतों में, दो प्रांतों में दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे। एक एग्जाम्पल
हमारा और आपका, यहाँ हमारा और आपका कहने का मतलब है महाराष्ट्र और कर्नाटक का ही आपको देता हूँ बेलगाम का। सच में कहा जाए तो बेलगाम में मराठी लोग ज़्यादा रहते हैं, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि आज कई सालों से बेलगाम कर्नाटक में भी है। लेकिन ये दोनों सरकार की ईगो इस बीच में आ रही है, क्या वो दोनों सामने बैठ के नहीं बात कर सकते? चाहे बेलगांव कर्नाटक में रहे, महाराष्ट्र में रहे, उसमें रहने वाले लोग जो करना चाहते हैं उनको करने का फ्रीडम दीजिए, खत्म बात। लेकिन नहीं, सत्ता के लिए ये कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज महाराष्ट्र में एक बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत झगड़ा चल रहा है एट्रोसिटी के बारे में। एट्रोसिटी का कायदा जो है वो रद्द किया जाए या ना किया जाए, मैं कहना चाहता हूं कि इस कायदे की जरूरत क्या है। अगर 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इस कायदे की जरूरत क्या है? लेकिन इस कायदा बनाया, वो आज तक चालू है और उसकी वजह से हम लोग आज एक साथ नहीं हैं और उसकी वजह से आज गुलामी जैसा जीना हमें सहना पड़ रहा है। मीडिया इज द वो चौथा लोकतंत्र का कहा जाता है, लेकिन आज मीडिया की हालत क्या है, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जरा स्टैटिस्टिक्स देखिए, सवेरा का अखबार देखिए, दिन भर के न्यूज़ चैनल देखिए, 90% न्यूज़ निगेटिव ही दिखाई देती है। कहाँ दंगा हुए, कहाँ फसाद हुए, कहाँ रेप हुआ, कहाँ एक्सीडेंट। अरे इस देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन उनका दोष नहीं है, मैं कहता हूँ जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो उनको दिखाने की मजबूरी है, तो वो भी क्या करे बेचारे। तो अब इस स्थिति का हल क्या है? इस स्थिति का हल यही है कि लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। उनको आज के ये सभी युवक बहुत होशियार हैं, सेंसिटिव है, जिम्मेवार है, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए। और ये नया रास्ता, सही रास्ता, नई सोच, मुझे लगता है ये जो महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए उनके जो विचार है, वो विचार वापस इन सब लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और ये काम हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तिलक जी, गांधी जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, विवेकानंद जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उनके क्या विचार आज़ादी मिलने तक ही सीमित थे? खत्म हो गए आज़ादी मिलने के बाद? तिलक जी ने दिया हुआ स्वदेश, स्वदेशी स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा का विचार उसी के लिए था, आज उसका कोई अर्थ नहीं है? तिलक जी ने स्वराज का जो अर्थ बताया है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा था कि स्वराज्य वही है जो सुशासित है और सुखकारक है। समाज के हर घटक को अगर वो सुखकारक लगे तो वो स्वराज है। तो आज 70 साल के बाद क्या स्थिति है? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जेल में सुशासन तो होता है क्या, लेकिन वो सुखकारक होता है तो उसे क्या का हम स्वराज कहेंगे? तो आज वही स्थिति है, हमारे देश की जनता सुख की स्थिति में नहीं है तो उसे हम स्वराज नहीं कह सकते। स्वदेशी के बारे में तिलक जी का जो कहना था
उस समय की अलग सोच थी, आज की सोच बहुत अलग है। परसों हमने पूना में एक फंक्शन किया, उसमें एक किताब पब्लिश की जिसमें आज देश के जाने माने हस्तियों ने इन तिलक जी के विचारों के ऊपर अपने विचार या लेख लिखे थे कि वो विचार आज के ज़माने में क्या मायने रखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन पे ज़माने में स्वदेशी का आज क्या अर्थ होगा, तो ये लोग कहते हैं देश के लोगों की जो क्षमता है उसका उपयोग करके अगर हम देश की संपन्नता को बढ़ा सके तो उसे आज हम स्वदेशी कहेंगे, या स्वदेशी इज सस्टेनेबल जॉब लेड ग्रोथ, नॉट जॉबलेस और अनसस्टेनेबल जॉबलेस ग्रोथ। या फिर माशेलकर जी कहते हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर इनोवेटिव आइडियाज को साकार करना, यही है स्वदेशी है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने उस समय दिया था, वो मैं आपके युवा लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था एप्पल फोन जो होता है वो चाइना की फॉक्सकॉन कंपनी बनाती है चाइना में, तो उन्हें $10 का प्रॉफिट होता है और 45 लाख जॉब वो तैयार हुए, और एप्पल को वो फोन बेच के $350 मिलते हैं। तो उनका कहना था कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो हम पसीना बहाए $10 प्रॉफिट कमाएं या 45 लाख जॉब यहाँ पैदा करें, दूसरा ऑप्शन है हमारे बुद्धि का उपयोग करें $350 का नफा कमाए लेकिन उसमें जॉब कम तैयार हो जाएंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन वो कहते कि ये हमारे लिए आज स्वदेशी का अर्थ है, $350 कमाएं $10 भी कमाएं और बुद्धि और हमारी मेहनत एक साथ जोड़ के अगर हम करते हैं तो ये स्वदेशी है। और ये सारे जो विचार हैं ये शिक्षा के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। वापस एक बार तिलक जी को जो अपेक्षित थी राष्ट्रीय शिक्षा, जिसमें आपके साइंस कॉमर्स मैथ्स आर्ट्स के साथ साथ देश प्रेम जागृत हो, हमारे ऊपर की जिम्मेदारी का एहसास हो, ऐसी शिक्षा आज लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एंड वी शुड टीच व्हाट टू थिंक रादर देन हाउ टू थिंक। कुछ दिन पहले मैं एक जापान में कुछ सिलसिले में गया था, जो स्पोर्ट्स का यहाँ उल्लेख हुआ था उसके से वो मैंने देखा कि जापानीज कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत सिमिलर है और वो उनका कल्चर भी बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी वो 50 साल हमसे आगे है। किस लिए? तो उनका संस्कृति और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ डेवलपमेंट है तो संस्कृति को छोड़ दिया, हम यहाँ संस्कृति को लेकर बैठे हैं लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं। तो जब तक ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारा देश महासत्ता नहीं बन सकेगा, जो APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था 2020 में महासत्ता बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? हम हमारी जिम्मेदारी को जब पहचानेंगे, हमारा योगदान देश के लिए देंगे, तभी ये हमारी भारत माँ महासत्ता बन सकती है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर इन सारे महापुरुषों को स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति को आदरांजलि देना है तो हमें ये कहना होगा और हमेशा याद रखना होगा कि इंडिया फर्स्ट, माय इंडिया, वन इंडिया एंड इंडिया मैटर्स फॉर मी। जय हिंद। एक तो हम पसीना बहाए $10 प्रॉफिट कमाए या 45 लाख जॉब यहाँ पैदा करें, दूसरा ऑप्शन है हमारे बुद्धि का उपयोग करें $350 का नफा कमाए लेकिन उसमें जॉब कम तैयार हो जाएंगे, लेकिन तीसरा ऑप्शन वो कहते कि ये
हमारे लिए आज स्वदेशी का अर्थ है। 350 भी डॉलर कमाए, 10 डॉलर भी कमाए, और बुद्धि और हमारी मेहनत एक साथ जोड़ के अगर हम करते हैं तो ये स्वदेशी है। और ये सारे जो विचार हैं ये शिक्षा के द्वारा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। वापस एक बार तिलक जी को जो अपेक्षित थी राष्ट्रीय शिक्षा, जिसमें आपके साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, आर्ट्स के साथ साथ देश प्रेम जागृत हो, हमारे ऊपर की जिम्मेदारी का एहसास हो, ऐसी शिक्षा आज लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। एंड वी शुड टीच व्हाट टू थिंक रादर देन हाउ टू थिंक। कुछ दिन पहले मैं एक जापान में कुछ सिलसिले में गया था, जो स्पोर्ट्स का यहाँ उल्लेख हुआ था उसके से, वो मैंने देखा कि जापानीज कल्चर और इंडियन कल्चर बहुत सिमिलर है, और वो उनका कल्चर भी बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी वो 50 साल हमसे आगे है। किस लिए? तो उनका संस्कृति और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ डेवलपमेंट है तो संस्कृति को छोड़ दिया, हम यहाँ संस्कृति को लेकर बैठे हैं लेकिन डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं। तो जब तक ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारा देश महासत्ता नहीं बनता था, बन सकेगा, जो APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था 2020 में महासत्ता बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? हम हमारी जिम्मेदारी को जब पहचानेंगे, हमारा योगदान देश के लिए देंगे, तभी ये हमारी भारत माँ महासत्ता बन सकती है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर इन सारे महापुरुषों को स्वामी विवेकानंद जी के स्मृति को आदरांजलि देना है तो हमें ये कहना होगा और हमेशा याद रखना होगा कि इंडिया फर्स्ट, माय इंडिया, वन इंडिया एंड इंडिया मैटर्स फॉर मी। जय हिंद।